हाय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बिहार बोर्ड मैट्रिक मैथ का प्रश्नावली 1.3 बनाने जा रहे हैं और ये बहुत ही भिविहाई हिसाब है दोस्तों, क्योंकि ये प्रत्येक साल इस टाइप का हिसाब बिहार बोर्ड मैट्रिक मैथ में पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो आज हम यहाँ देखेंगे प्रश्नावली 1.3 का एक नंबर का क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अप्रमेय संख्या है। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व। सॉल्व तो लिखेंगे, माना कि देखिए दोस्तों हमें यहाँ सिद्ध करना है कि √5 एक अप्रमेय संख्या, लेकिन इसके हम भी उल्टा यह मानते हैं कि माना कि √5 एक प्रमेय संख्या है। तो हमने यह मान लिया दोस्त। तो आपको पता है दोस्त कि प्रमेय संख्या को हम पी बटा क्यू के रूप में लिखते हैं, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे √5 बराबर पी बटा क्यू, इसलिए √5 बराबर पी बटा क्यू। जहाँ P तथा Q सह अभाज्य संख्या है, तथा Q बराबर नहीं 0 है। दोस्तों ये हमने ये हो जाएगा कि जहाँ पी था क्यू सहभाज्य संख्या है, था क्यू बार 0 नहीं है। दोस्तों यहाँ पर एक शब्द है सहभाज्य, सहभाज्य का मतलब जो है क्या होता है दोस्तों, सहभाज्य का मतलब होता है, यहाँ देख लीजिए अब, कि सहभाज्य का अर्थ होता है जिन दो पूर्णांकों का मौसम यानी कि एच सी एफ एक हो उसे ही सहभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे 9, 10, 15, 22 इन सब का यदि मौसम निकालेंगे दोस्तों 1 आएगा, तो अर्थात दो पूर्णांकों का मौसम यदि निकालेंगे और 1 निकले तो उसे हम कहेंगे सहभाज्य संख्या। अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, चूंकि √5 और पी बटा क्यू है, तो इसलिए जब क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या हो रहा है, तो हम इसको लिखेंगे दोस्तों इधर आगे गुना हो जाएगा तो ये हो गया √5 क्यू बराबर पी। अब इसे हम दोनों तरफ वर्क कर लेंगे, तो लेकिन दोनों तरफ वर्क करने पर दोनों तरफ वर्क करने पर इसको हमने दोनों तरफ वर्क कर लिया, और जब दोनों तरफ वर्क करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा √5 क्यू का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर। तो जब इसको करेंगे स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यहाँ बचेगा स्क्वायर से रूट कट गया तो बचेगा दोस्तों यहाँ पे 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, ये 5 इधर गुना थे इधर के भाग हो जाएगा, यानी बटम हो जाएगा 5। तो दोस्तों इससे ये बात स्पष्ट होता है कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है। तो यहाँ हम लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है। तो पी भी 5 से विभाजित होगा,
विभाजित होगा। ऐसा हमने बोल रहे हैं, ऐसा हमारे जो मैथ है, मैथ का एक परिमेय है, उसमें कहा गया है कि यदि पी स्क्वायर किसी संख्या से विभाजित है तो पी भी उससे विभाजित होगा। तो यूनिवर्सल से विभाजित हो गया। अब फिर हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अब लिखेंगे कि पुनः माना कि पी बराबर 5m होता है, 5m जहाँ m कोई पूर्णांक है, अब हम क्या करेंगे, p बराबर 5m को समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक में हम p का मान रखेंगे दोस्तों, देखते हैं। तो समीकरण एक हमारा था 5q² = p² ये समीकरण है हमारा, इसी में हम p का मान रखेंगे। जो p का मान रखते हैं देखते हैं क्या होता है, 5q² = 5m² अब इसे हम हल कर लेंगे दोस्तों, जब इसे हल करते हैं देखते हैं क्या होगा, 5q² = 5 25 यहाँ हो जाएगा 25m² चूँकि 5q² = 5m² था, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा q² = 25m² अपट्टा 5, तो ये हो गया। तो इससे क्या होगा दोस्त हमारा, तो यहाँ 5 × 5 = 25, तो q² हो गया 5m², तो ये 5 इधर गुना इधर के तो भाग हो जाएगा, तो इसको हम कहेंगे q² / 5 = m². तो दोस्तों इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ 5 जो है q² को विभाजित करता है, यदि 5 q² को विभाजित करता है तो 5 q को भी विभाजित करेगा, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ q² को 5 विभाजित करता है, 5 विभाजित करता है तो q को भी विभाजित करेगा। इससे स्पष्ट होता है कि पी तथा क्यू को 5 विभाजित करता है, को 5 विभाजित करता है, जो कि हमारी कल्पना
से विपरीत है, विपरीत है, क्योंकि हमने माना था कि पी और क्यू सहभाज संख्या है, और यहाँ पर देखते हैं पी की पी था क्यू की पाँच से विभाजित होता है, अतः हमारी कल्पना से यह विपरीत है। अतः रूट पाँच एक अप्रमेय संख्या है। अप्रमेय संख्या है, प्रूव्ड, पी आर ओ वी डी, प्रूव्ड। तो ये हमारा हिसाब बन चुका है दोस्तों। तो पूरा हिसाब देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों आप लोगों से कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो, धन्यवाद।